We have a morning class dated 8/11/87. The record played is Tu Pyar Ka Sagar Hai. You are the ocean of love. यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठो। When you sit here, sit in Baba's remembrance. माया बहुतों को याद करने नहीं देती। Maya doesn't allow many to remember. कि बाबा के सामने भी जब यहाँ बैठते हैं तो भी माया आ सकती है। Maya can also come when you sit here in front of Baba. मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? Does Maya come in Madhuban or not? मधुबन में भी माया आती है, बाबा के सामने भी माया आती है। माया कम्स इन मधुबन एज वेल, माया कम्स इन फ्रंट ऑफ बाबा एज वेल। बहुतों को याद नहीं करने देती। शी डजंट अलाउ मेनी टू रिमेम्बर। क्योंकि दे अभिमान है। बिकॉज देयर इज बॉडी कॉन्शियसनेस। माया कहाँ कहाँ आती है? वेयर डज माया कम? जहाँ जहाँ दे अभिमान है वहाँ वहाँ माया आती है। वेयर एवर देयर इज बॉडी कॉन्शियसनेस माया कम्स। ऐसे नहीं जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं आती है। इट इजंट दैट माया डजंट कम वेयर बाबा इज प्रेजेंट। बाबा के पास होते हुए भी अगर किसी में देह अभिमान है तो माया आ सकती है। डिस्पाइट बीइंग नियर बाबा इफ देयर इज बॉडी कॉन्शियसनेस इन समवन देन माया कैन कम। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है? सम रिमेम्बर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सम रिमेम्बर फूड एंड ड्रिंक्स एटसेट्रा, दे रिमेम्बर सच थिंग्स। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। When you come and sit here, then you should invoke the father. माया को याद किया तो जैसे माया का आवाहन किया। If you remembered Maya, it is as if you invoked Maya. बाबा को याद किया जैसे बाबा का आवाहन किया। If you remembered Baba, it is as if you invoked Baba. जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है। For example, when Lakshmi is worshipped, तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। She is invoked. लक्ष्मी को याद ही नहीं है। Lakshmi doesn't come in reality. यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। Even here, it is said, remember the father or invoke him. बात It is one and the same. माना? What does it mean? याद करने से क्या बाबा आ जाता है? Does Baba come on being remembered? याद किया माना देह अभिमान को छोड़ा, आत्मा बिंदु को याद किया, जहाँ आत्मा की याद है वहाँ बाप परमात्मा होता ही है। You remembered means you left body consciousness. You remembered the point like soul. Where there is the remembrance of the Supreme Soul Father is anywhere present. बिंदु आत्मा से वो बिंदु बाप अलग नहीं हो सकता। The point father can't be separate from the point soul. सिर्फ स्मृति में लाने की दरकार है कि याद से विकर्म विनाश। You only need to remember that your sins will be destroyed through remembrance. कौन सी याद से? Through which remembrance? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। To consider yourself to be a soul and to remember the father. धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। You can't assimilate virtues because you have committed a lot of wrong actions. परमात्मा बाप ने जो कर्म करना सिखाए उन कर्मों की विपरीत कर्म बहुत किए। You have performed a lot of actions opposite to the actions that the Supreme Soul Father has taught. बाप की श्रीमत पर चलने की कर्म वो बहुत कम किए। You have performed very few actions following the father's Srimad. तो पाप का बोझ ज्यादा है। So, there is a lot of burden of sins. याद नहीं आती, धारणा नहीं होती है। This is why you are unable to remember or assimilate virtues. जितना बाप को याद करेंगे, उतना विकर्म जीत निरोगी बने। The more you remember the father, the more you will become conquerors of sins. Disease free. है तो बहुत है। It is in fact very easy. परंतु माया अथवा पाप के विकर्म विघ्न रूप में आ जाते। But माया or the sins of the past come in the form of obstacles. माया कोई दूसरी चीज नहीं है।
माया इजंट एनीथिंग एल्स। प्रेषर जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वही माया का रूप बन करके आते हैं। द सिंफुल एक्शंस दैट यू हैव कमिटेड इन द 63 बर्थ्स देमसेल्व्स कम इन द फॉर्म ऑफ माया। जो पाप कर्म जिसके जिसके साथ किए, ऑल दोज विद होम यू कमिटेड दी सिंफुल एक्शंस, वही आत्मा माया भी रूप धारण करके रावण के रूप में या माया के रूप में हमारे सामने आ जाती है। द सेम सोल्स टेक एन इल्यूसिव फॉर्म एंड कम इन फ्रंट ऑफ अस एज रावण और माया, नीचे ऊपर कर देती है। एंड मेक अस गो अप एंड डाउन। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प आया था खरीद दिया। द फादर सेज यू योरसेल्फ हैव रिमेंबर्ड मी फॉर हाफ अ कल्प इन एन इनएक्यूरेट वे। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो। नाउ यू इनवोक मी इन प्रैक्टिस। वहां तो जड़ को याद करते थे भक्ति मार्ग में। देयर यू यूज्ड टू रिमेंबर द इनर फॉर्म ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। अभी तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। नाउ यू इनवोक मी इन प्रैक्टिस बिकॉज यू नो दैट बाबा हैज कम। भक्ति मार्ग में तो आता नहीं। He certainly doesn't come on the path of bhakti. यहाँ तो practical आया हुआ। Here he has come in practice. परंतु वह याद की सेव पक्की हो जानी चाहिए कि बाप अभी आया हुआ। But this habit of remembering that the father has come now should become firm. तुमको ever निरोगी बनाने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। The imperishable surgeon gives medicine to make you ever nirogi. Meaning, disease free. कि मुझे याद करो। Remember me. फिर तुम मेरे से आकर के मिलो। Then you will come and meet me. मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। Only by remembering me through me will you obtain the inheritance from me. किसके द्वारा याद करने से? By remembering through whom? मेरे द्वारा मेरे को याद करने से। By remembering me through me. क्या हुआ? What is it about? द्वारा भी मेरे और मेरे को याद करने से। By remembering through me as well as by remembering me. बाप और चेतन दोनों को याद करना। You have to remember both the father as well as the sweet home. जहाँ जाना होता है वो बुद्धि में रहता है। The place where you have to go stays in your intellect. और जिससे मिलना होता है वो भी बुद्धि में याद रहता है। And the person whom you have to meet also stays in your intellect. बाप वहाँ से आकर के सच्चा पैगाम देते। The father comes from there and gives the true message. और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। Nobody else gives the divine message of God. और धर्म पिताएं आते तो हैं। Other religious fathers do come. लेकिन वो बाप का पैगाम नहीं देते। But they don't give the father's message. बाप के स्वरूप को जानते ही नहीं। They don't know the father's form at all. तो पैगाम कैसे देंगे? Then how will they give the message? तो मैं खुद ही आकर के अपना परिचय देता हूँ। So I come and give my introduction myself. वो तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। They come to play their part on the stage here and forget God. लक्ष्मी नारायण भी यहाँ आते हैं तो ईश्वर का उनको पता नहीं रहता। When Lakshmi and Narayan also come here, they don't know about God. उन लक्ष्मी नारायण को भी पैगंबर नहीं कह सकते। Those Lakshmi and Narayan can't be called messengers either. ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए। It is the human beings who have given these names. वो तो आते ही हैं पार्ट बजाने। They come only to play their part. तो वो याद कैसे करें? So how will they remember? कौन? Who? धर्म पिता है अथवा लक्ष्मी नारायण। The religious fathers और लक्ष्मी एंड नारायण। वो इस धरती पर आकर के परमात्मा के स्वरूप को याद नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल स्वरूप को वो जानते ही नहीं है। They can't remember the form of the supreme soul after coming to this world because they don't know his practical form at all. उनको पार्ट बजाते बजाते पतित तो बनना ही। They are bound to become sinful while playing their part. तो पतित बनेंगे। They become sinful. तो अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनने का ही रास्ता बताते। So they just show the path to become sinful to their followers as well.
और अंत में फिर उनको पति से पावन बनना है। एंड देन इन द एंड दे हैव टू बिकम प्योर फ्रॉम सिंफुल अगेन। वो तो बात ही आकर के बनाते हैं। द फादर हिमसेल्फ कम्स एंड मेक्स देम दैट। कहा भी जाता है सर्व का सदगति दाता राम। इट इज ऑल्सो सेड दैट द गिवर ऑफ ट्रू लिबरेशन टू एवरीवन इज राम। तो लास्ट में बाप आते हैं। सो द फादर कम्स इन द एंड। और जो ऊंचते ऊंचे थे उन ऊंचते ऊंचे धर्म पिताओं को भी जो नीचे से नीचे बन जाते हैं। एंड द रिलीजियस फादर्स हु वर द हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड देन बिकम द लोएस्ट ऑफ ऑल आकर के ऊंच बनाते हैं। ही मेक्स देम हाई। बाप की याद से ही पावन बनना। यू हैव टू बिकम प्योर ओनली थ्रू द फादर्स रिमेम्बरेंस। बाप कहते हैं बच्चों मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। द फादर सेज चिल्ड्रन I have only one method to make you pure. देह सहित जो भी देह के संबंध में उसको भूल जाना। You have to forget all the relations of the body along with the body itself. तुम जानते हो मुझे आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला है। You know, I, the soul, have received the order to remember the father. उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। Only those who obey that order are called obedient. Farman Bardar. जो कम याद करते हैं। Those who remember little. जो कम फरमान बरदार। Are Farman Bardar to a lesser extent. फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। Those who are Farman Bardar achieve a high status as well. बाबा का फरमान एक है याद करो। One of Baba's orders is remember me. और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। And the other is assimilate the knowledge. अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। If you don't remember, you will have to suffer a lot of punishments. सुदर्शन चक्र फिर आते रहेंगे तो धन भी बहुत मिलेगा। And if you keep rotating the Swadarshan Chakra, you will obtain a lot of wealth. भगवान वाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो। God says, know me through me. और सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को भी जानो। एंड नो द साइकिल ऑफ द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। किसके द्वारा? थ्रू होम। मेरे द्वारा मुझे जानो। नो मी थ्रू मी। ये दो बातें मुख्य हैं जिन पर ध्यान देना। दीज टू टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, यू मस्ट पे अटेंशन टू देम। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। इफ यू पे कम्प्लीट अटेंशन ऑन श्रीमत You will achieve a high status. रामदेव भी बनना है। You have to become merciful as well. माना? What does it mean? दूसरों की सेवा भी करनी है। You have to serve others as well. सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। You have to show the path to everyone. You have to bring benefit to everyone. मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। You have to generate ideas to take your friends, relatives, etc. also on the true journey. वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। That is a physical journey and this is a spiritual journey. ये spiritual knowledge कोई के पास नहीं। Nobody has this spiritual knowledge. क्योंकि सब देह अभिमानी बन जाते हैं। Because everyone becomes body conscious. Spirit मन आत्मा। Spirit means the soul. आत्मिक स्थिति में सदा काल कोई नहीं रहता। Nobody remains in a soul conscious stage forever. तो एक बाप ही है जो सदा आत्मा है। So there is only one father who is always a soul. आत्मिक स्टेज में रहने वाला है। Who remains in a soul conscious stage. उनकी तो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। Theirs is all the philosophy of the scriptures. ये है रूहानी नॉलेज। This is spiritual knowledge. तो सुप्रीम रूह यह नॉलेज आकर के देते हैं रूहों को वापस ले जाने के लिए। द सुप्रीम स्पिरिट कम्स एंड गिव्स दिस नॉलेज टू टेक द स्पिरिट्स बैक। कितना अंतर हो गया उन धर्म पिताओं में और इस बाप में। देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन दोस रिलीजियस फादर्स एंड द फादर शिव। वो आते हैं तो रूहानी स्टेज से खुद नीचे आते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी रूहानी स्टेज से नीचे ले जाते हैं। देन दे कम They come down from the spiritual stage themselves, and they also make their followers fall from the spiritual stage. देवाने में ले आते। They bring them into body consciousness. और बाप आते हैं।
And when the father comes, तो जो देह अभिमानी में है और देह अभिमानियों को भी आत्मा अभिमानी बनाकर ऊपर ले जाती है। He takes even those body conscious ones above by making them soul conscious. तो सुप्रीम रूह ही रूहों को वापस ले जा सकते हैं। So only the supreme spirit can take the spirits back. अमृत बेली जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी आकर के बैठ। When you come and sit at Amrit Vela, some sit under compulsion. उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। They don't think anything about their progress. क्योंकि बच्चों में देह अभिमान बहुत है। Because there is a lot of body consciousness in the children. अगर देह ही अभिमानी होकर के रहें तो रहम दिल बन। If they remain soul conscious, they can become merciful. श्रीमत पर चलें। And follow the श्रीमत। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। The father says, write your chart. हम कितना समय याद करते हैं? How long do we remember? आगे बच्चे चार्ट रखते। Earlier, children used to maintain their chart. अच्छा बाबा को नहीं भेजो। अच्छा, don't send it to Baba. अपने पास तो रखो। At least, keep it with yourself. अपनी शक्ल तो देखनी है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। You certainly have to see your face and check if you have become worthy of marrying Lakshmi. व्यापारी लोग अपना सारा पोता मेल रखते हैं। Businessmen keep their entire accounts, pota mail. कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। Some maintain the daily routine of the entire day. हाबी होती है लिखने की। They have a habit of writing accounts. ये बाबा भी बहुत अच्छी राय देते हैं। This Baba also gives very good advice. कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय हमने याद किया? Maintain your accounts. How much time you remembered? कितना समय किसको बैठ समझे? How much time did you sit and explain to someone? ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति होगी। If you maintain such chart, you will progress a lot. ये चार्ट मम्मा बाबा को तो नहीं लिखना है। मम्मा एंड बाबा सर्टेनली डोंट हैव टू राइट दिस चार्ट। बाबा को क्यों नहीं लिखना है? Why shouldn't मम्मा बाबा राइट इट? क्या बात है? What is it about? हैं मम्मा बाबा बाबा के बच्चे नहीं है क्या? Aren't मम्मा बाबा the children of बाबा? हैं मम्मा बाबा बच्चे तो हैं लेकिन मम्मा बाबा बने कैसे? मम्मा बाबा आर इंडेड चिल्ड्रन बट हाउ डिड दे बिकम मम्मा बाबा? और बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं। अदर चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। और मम्मा बाबा मम्मा बाबा की स्टेज पर कैसे पहुंच गए? एंड हाउ डिड मम्मा बाबा रीच द स्टेज ऑफ मम्मा बाबा? वो तो तभी ही पहुंचेंगे जबकि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो क्लियर होगा तभी तो प्रत्यक्षता होगी। दे विल रीच दैट स्टेज only when their karmic account of the past births are cleared. Only then will there be their revelation. जैसे supreme soul की प्रत्यक्षता होती है। For example, when there is the revelation of the supreme soul. तो किस आधार पर हुई? Then, on what basis did it happen? Supreme soul संसार के सामने कैसे प्रत्यक्ष होता है? How is the supreme soul revealed in front of the world? नॉलेज के आधार पर ही प्रत्यक्ष होता है ना? He is revealed only on the basis of knowledge, isn't he? तो मम्मा बाबा भी किस आधार पर प्रत्यक्ष होते हैं? So, on what basis are mamma baba also revealed? नॉलेज के आधार पर। On the basis of knowledge. तो नॉलेज के आधार पर जब ये बात एक बार निश्चित हो गई कि ये मम्मा बाबा हैं। So, when it has been decided on the basis of knowledge that these ones are mamma and baba. तो मम्मा बाबा के ऊपर नजर थोड़े ही रखनी है। Then we shouldn't keep an eye on mamma and baba. क्यों? Why? क्योंकि supreme soul बाप ने ही। It is because the supreme soul father himself पहचान कर प्रत्यक्ष कर लिया। Recognized them and revealed them. तो मम्मा बाबा को चार्ट नहीं रखना। So mamma and baba don't have to maintain the chart. वो तो जैसे बच्चों के examiner हो गए। They are like the examiners of the children. और बच्चों को अपना exam देना है। And the children have to write their exam. माला की जो दाने बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। Those who become the beads of the rosary have to make a lot of purushartha. मम्मा बाबा माला के दाने नहीं बनते। Don't mamma and baba become the beads of the rosary? दाने तो बनते हैं। They do become the beads.
लेकिन और जो दाने हैं उनका सबका कनेक्शन उन ऊपर के दो दानों से होता है। बट द कनेक्शन ऑफ ऑल द अदर बीट्स इज विद द टू बीट्स ऑन द टॉप, जिनको युगल दान कहते हैं, हु आर कॉल्ड द कपल बीट्स। तो उन दानों को पुरुषार्थ बहुत करना है। सो दोस बीट्स हैव टू मेक अ लॉट ऑफ पुरुषार्थ। क्योंकि जो मम्मा बाबा हैं, वो तो सुप्रीम सोल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बिकॉज मम्मा बाबा आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल। और दूसरे दाने किससे जुड़े हुए हैं? एंड विद होम आर द अदर बीट्स कनेक्टेड? मम्मा बाबा से जुड़े हुए हैं। दे आर कनेक्टेड विद मम्मा बाबा। स्नेह की डोर कहो, ज्ञान की डोर कहो, ज्ञान का धागा कहो, उससे जुड़े हुए हैं। कॉल इट अ थ्रेड ऑफ लव, कॉल इट अ थ्रेड ऑफ नॉलेज, कॉल इट अ स्ट्रिंग ऑफ नॉलेज, दे आर कनेक्टेड विद देम। उत्तर उत्तर हैं। दे आर वन आफ्टर द अदर। उनको पुरुषार्थ करना जरूर है। दे डेफिनेटली हैव टू मेक पुरुषार्थ। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनी। बाबा हैज सेड द रोजरी ऑफ द ब्राह्मिन्स इजंट फॉर्मड नाउ। अभी क्या बात होगी? व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? माला माना संगठन। रोजरी मीन्स गैदरिंग। ब्राह्मणों का एवरलास्टिंग संगठन अभी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? द एवरलास्टिंग गैदरिंग ऑफ द ब्राह्मिन्स कांट बी फॉर्मड नाउ। व्हाई कांट इट बी फॉर्मड? क्योंकि 63 जन्म में पाप पुण्य के हिसाब किताब से आत्माएं जैसे जैसे ऊपर नीचे चढ़ती रही। इट इज बिकॉज द वे इन विच souls went up and down in the 63 births according to the karmic accounts of their sins and noble actions. वैसा यहाँ shooting period में, rehearsal के period में उनको साक्षात्कार देंगे। They will definitely have visions here in the shooting period, in the period of rehearsal, in the same way. तो अवस्था ऊपर नीचे जरूर होती रहती है। So the stage definitely keeps going up and down. अवस्था जब ऊपर नीचे होती रहती है तो इससे साबित हो जाता है कि अभी मन का फिक्स स्टेज को प्राप्त नहीं हुआ। When the stage goes up and down, it proves that the bead hasn't achieved the fixed stage now. तो माला अंत में बनेगी। So the rosary will be formed in the end. जब रुद्र की माला बनेगी। When the rosary of Rudra is formed. विष्णु की माला अंत में बनेगी, पहले रुद्र की माला। The rosary of Vishnu will be formed in the end. First, The rosary of Rudra will be formed. Rudra भी है आत्म की स्टेज में रहने वाला। Rudra remains in a soul conscious stage. और रुद्र की माला भी है आत्म की स्टेज में रहने वालों की माला। And the rosary of Rudra is also a rosary of those who live in a soul conscious stage. उसको रुद्र माला क्यों कहते हैं? Why is it called the Rudra माला? उन सब बच्चों में रुद्र बाप ही प्रवेश करता है। नंबर वार को साफ। It is because The father Rudra himself enters all those children number wise according to their purushart. इसलिए रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाई जाते हैं। This is why mouths are shown on the beads of the Rudraksh, meaning the berry of the tree Elaeocarpus canetus, used for rosaries. मुख किस बात की यादगार हुई? What do those mouths represent? रुद्राक्ष में जो मुख दिखाई जाते हैं, वो है मुख लेने की यादगार। The mouths shown on the Rudraksh are the remembrance of the mouths that have been used. Kiska mukh lene ki yadgar? It is the remembrance of using whose mouths? Kisne mukh dharan kiya? Who took the mouth? Baap ne pehle pehle. First of all, the father. Phir koi koi mad ke number wise hote hain. Then there are some beads that are number wise. Baap ke alawa aur bhi unme pravesh karte hain. Others also enter them apart from the father. दूसरे धर्म के जो हेड्स हैं वो भी प्रवेश कर जाते हैं। The heads of the other religions also enter them. तो कोई में एक मुख, कोई में दो मुख, कोई में चार मुख, कोई में आठ मुख। So there is one mouth in some, two mouths in some, four mouths in some, eight mouths in some. एक मुख वाला मन का जो है विशेष महत्व का होता है क्योंकि उसमें बाप ही प्रवेश कर सकता है। The bead with one mouth has special importance because The father alone can enter him. और कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता। Nobody else enters him. इसलिए बोला है कि ब्राह्मणों की माला बदलती रहती है। This is why it is said that the rosary of the Brahmins keeps changing. आज 3-4 नंबर में है। Today they are number 3 or 4 number.
means rank. कल लास्ट 108 में चले जाते. Tomorrow they reach the last, meaning number 108. कौन से नंबर वाले? Which number? तीन चार नंबर वाले. The beats number 3 or 4. एक दो नंबर वाले क्यों नहीं कहा? Why wasn't it said for the number 1 and 2 beats? एक दो नंबर वाले तो माता पिता हो गए, मम्मा बाबा हुए. The number 1 and 2 beats are the mother and the father, mamma baba. तो वो तो लास्ट में नहीं पहुंचते. So they don't reach the last number. हाँ, तीन चार नंबर वाले तो बच्चों की स्टेज में हैं. Yes, the number 3 and 4 are in the stage of children. बच्चे. They are children. बच्चों को पुरुषार्थ जास्ति करना पड़ता है. Children have to make more पुरुषार्थ. कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं. When some fall, they suffer complete degradation. माला में, माला से तो गए. They certainly lose their position in the rosary. प्रजा में भी जाकर के चांडाल बनते हैं. They become चांडाल even among the subjects. चांडाल means those who cremate corpses. प्रजा में जाकर के साहूकार बन जाएं अंतिम स्टेज में. They may become prosperous people among the subjects in the last stage. जैसे राम वाली आत्मा है. For example, the soul of Ram. सत्य के एकदम आदि में नारायण. It becomes Narayan in the very beginning of the golden age. और सत्य के अंत में साहूकार प्रजा बनती है. And becomes a prosperous subject at the end of the golden age. चांडाल तो नहीं बनती. It certainly doesn't become a चांडाल. तो साहूकार प्रजा भी अच्छी. So, prosperous subjects are also better. क्योंकि साहूकार प्रजा से लेकर के धन लेकर के लास्ट का नारायण, वो भी नारायण बनता है, अपनी राजा ही चलाता है. Because even the last Narayan becomes Narayan by taking wealth from the prosperous subject and runs his kingship. तो ऊंचा कौन हुआ? So who is higher? ज्यादा पावर किसकी हुई? Who has more power? लोन लेने वाले की पावर हुई या लोन देने वाले की पावर हुई? Does the one who takes a loan have more power? Or does the one who gives the loan have more power? लोन देने वाला फिर भी ऊंचा हो जाएगा. The one who gives the loan is still higher. तो सारी राजा उसकी उसमें डूब जाती. So his, meaning the indebted one, entire kingship drowns in it. Shooting यहाँ होती है. The shooting takes place here. तो बच्चों को मेहनत बहुत करनी है. So the children have to work very hard. क्योंकि माला में पिरोना है तो मेहनत करो. Because if you want to be threaded in the rosary, work hard. बाबा सबके लिए अच्छी राय देते. बाबा गिव्स गुड एडवाइस फॉर एवरीवन. कल भल कोई गूंगा हूँ. ऑल्दो समवन इज ओल्ड. कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकता है. ही कैन रिमाइंड एनीवन ऑफ बाबा थ्रू जेस्चर्स. अंधे हैं, दूल्हे हैं, कैसे भी हैं. समवन मे बी ब्लाइंड, क्रिपल्ड और ऑफ एनी काइंड. वो तंदुरुस्त से भी ऊंच पद पाए सकते. दे कैन अचीव अ स्टेटस हायर देन इवन द हेल्दी वंस. ज्ञान के अंधे दूल्हे कैसे होते हैं? हाउ इज समवन ब्लाइंड क्रिपल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज. गूंगे कैसे होते हैं? हाउ इज समवन डम. जो किसी को ज्ञान सुनाए नहीं सकते, समझते सब हैं. दे कांट नरेट द नॉलेज टू एनीवन. दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. चलते भी सही तरीके से हैं. दे आल्सो एक्ट करेक्टली. लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते, वो हुए गूंगे. बट दे कांट नरेट इट टू अदर्स. दे आर डम. और बहरे. एंड व्हाट अबाउट द डेफ? बहरे जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, सुनते ही नहीं. द डेफ आर दोस हु लिसन थ्रू वन ईयर एंड रिमूव इट थ्रू द अदर. दे डोंट लिसन एट ऑल. वैसे धारणा सब अच्छी है. देयर धारणा मीनिंग पुटिंग डिवाइन वर्च्यूज इन प्रैक्टिस इज अदरवाइज गुड. लेकिन जितनी है उस अनुसार ही है. बट इट इज ओनली टू दैट एक्सटेंट. बस दैट्स इट. वो सिर्फ वाइब्रेशन से कैच करते हैं. दे जस्ट कैच थ्रू वाइब्रेशंस. उनकी वाइब्रेशन की पकड़ बहुत ज्यादा तीखी होती है. देयर कैचिंग पावर ऑफ वाइब्रेशंस इज वेरी शार्प. मतलब दूसरे किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये भी अच्छी बात है. मीनिंग दे वोंट लिसन टू एनीवन एल्स. दिस इज आल्सो गुड. एक की सुने, आंखों से जो कुछ पढ़ लिया. ही शुड लिसन टू द वन. व्हाटएवर दे रीड थ्रू द आईज. वाइब्रेशन से जो कुछ बाबा के हाव भाव समझ लिए.
whatever expressions of Baba they understood through vibrations, रास्ते पर ही चल रहे, they are following only that path. उनका बेविचारी ज्ञान तो नहीं बनेगा. Their knowledge certainly won't become adulterated. औरों का तो दूसरों की बात सुनते सुनते बेविचारी ज्ञान बन जाता है. In the case of others, the knowledge becomes adulterated when listening to others. असर पड़ जाता है. They are influenced. तो कोई गूंगे हैं, कोई बहरे हैं, कोई अंधे हैं. So, someone is dumb, someone is deaf, someone is blind. अंधे कैसे? How is someone blind? आंखें तो हैं. They do have eyes. लेकिन फिर भी ज्ञान की आंख से देख नहीं सकते कि असलियत क्या है. Yet they can't see through the eyes of knowledge what the truth is. कोई कैसे भी हो, लेकिन तंदुरुस्त से भी ऊंच पद पा सकते हैं. No matter how someone is, yet they can achieve a status higher than even the healthy ones. कैसे? How? अगर श्रीमत पर चले, बाप के फरमान पर चले. If they follow the Srimad, if they obey the father's orders, बाप से प्रीति रखें, याद करें. If they love the father, if they remember him, तो ऊंचे जा सकते हैं. Then they can go higher. सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है. जीवन मुक्ति इन अ सेकंड इज वेल नोन. बाबा का बना और वर्तन. As soon as someone becomes Baba's child, he gets the inheritance. उसमें नंबर वार पद है. There are number wise positions in this. इसमें? In what? बाबा की बनने वालों में. Among those who become Baba's children. जब बाबा की बने तो नंबर वार बने कि बाबा की बन गए माने बन गए. When you became Baba's children, did you become this number wise or did you become Baba's children once and for all? नंबर वार का है कि? Number wise in which aspect? बाबा की बनते तो ढेर हैं. Numerous people become Baba's children. लेकिन निभाने वाले नंबर वार निकलते हैं. But those who maintain the relationship are number wise. इसलिए नंबर वार. That is why they are number wise. बच्चा पैदा हुआ वर्ते का हकदार तो बन गया. As soon as a child is born, he becomes entitled to the inheritance. यहाँ तुम मेल के बच्चे हो. Here you are male children. तो तुमको बाप से वर्से का हक लेना. So you have to obtain the right to the inheritance from the father. Why? Female बच्चे नहीं हैं. Aren't there female children here? यहाँ माना कहाँ? Here refers to which place? यहाँ माना जो रुद्रमाला के मणके हैं. Here means the beads of the रुद्रमाला. जो साक्षात बाप के सामने हैं. Who are practically in front of the father. डायरेक्ट बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं वो सब मेल्स. The children who directly recognize the father are all males. बाप से वर्से का हक उनको लेना है. They have to obtain the right to the inheritance from the father. सारा मदार है पुरुषार्थ. Everything depends on पुरुषार्थ. फिर कहते हैं कल पहले भी इन्होंने हार खाई होगी. Then he says they might have suffered defeat in the previous kalp. वो खाते हैं. That is why they suffer now. क्योंकि बॉक्सिंग है ना. It is because it is boxing, isn't it? पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई. The war of the Pandavas was with Maya Ravan. कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते. Some make purusharth and become the masters of the world, double crowned. कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर आदि जाकर के बनते. Then some also become maids, servants, etc. among the subjects. सभी यहाँ पढ़ रहे हैं. All are studying here. नौकर चाकर बनने वाले भी पढ़ रहे हैं. Those who become maids and servants are studying. प्रजा बनने वाले भी पढ़ रहे हैं. Those who are to become subjects are also studying. और चांडाल जाकर के बनने वाले भी यहाँ पढ़ते हैं. And those who are to become chandals also study here. राजधानी स्थापन हो रही है ना? A capital is being established, isn't it? तो राजधानी में तो सब चाहिए. So everyone is required in the capital. Attention आगे वाले दानों की तरफ जाएगा. Attention will be given to the beads in front. किसका? Whose? बाबा का ज्यादा अटेंशन किसकी तरफ जाएगा? Towards whom will Baba pay more attention? जो आगे आगे पढ़ाई पढ़ने में जाने वाले होंगे उनकी तरफ बाबा का अटेंशन जाएगा. जो पीछे रहने वाले हैं उनकी तरफ अटेंशन कम जाएगा.
Baba will pay more attention towards those who gallop ahead in the studies. He will pay less attention to those who lag behind. देखेंगे आठ दाने कैसे चल रहे हैं। He will see how the eight beads are progressing. उनके पुरुषार्थ की गति से मालूम पड़ जाता है। He comes to know through the pace of their purushart. ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी। It isn't that Baba is antaryami, meaning the one who knows the inner thoughts and feeling of everyone. सबके दिलियों को बैठ जानते हैं। It isn't that he sits and knows the heart of everyone. नहीं। No. चाल को देखते हैं। He sees their behavior. उस चाल से उनके हाल का पता चल जाता है। He comes to know of their condition through their activity. जानी जाननहार अर्थात नॉलेज फुल है। He is Jani Jananhar, meaning the one who knows everything, meaning knowledgeful. सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। He knows about the beginning, the middle, and the end of the world. इनकी ऐसी चाल से ही क्या पद पाएंगे? What status a person will achieve through his behavior? कौन कैसी सर्विस करते हैं? पता लग जाता है। He comes to know what kind of service someone does. ये चक्र कैसे फिरता है? How this cycle rotates? कैसे फिर से रिपीट होता है? How it repeats once again? मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। I know the secret of that repetition. वो राज सब तुम बच्चों को समझाता हूँ। I explain all that secret to you children. कि हर एक समझ भी सके कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। So that each one could understand who the supreme soul is and how much service he does. बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। But Baba doesn't do the business of knowing the heart of each one. वो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेज फुल है। He is the knowledgeful seed form of the living human world. सारे चक्र के रिपीटिशन का राज और सभी मुख्य एक्टर्स को जानता है। He knows the secret of the repetition of the entire cycle and about all the main actors. What? एक एक के दिल को नहीं जानता लेकिन जो खास खास एक्टर्स हैं उनकी जीवन कहानी आकर के बताता है। He doesn't know the heart of each one, but he comes and narrates the life story of the main actors. बाकी रचना तो अथाह है। As regards the creation, it is immeasurable. जान जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। The word जानी जाननहार is very old. हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो ही तुमको पढ़ाता हूँ। I teach you the knowledge that I know. क्या क्या करते हो वो सब सारा दिन मैं बैठ देखूंगा क्या? Will I sit and observe all what you do throughout the day? मैं तो सहज राजयोग को ज्ञान सिखलाने के लिए आता हूँ। In fact, I come to teach easy Raj Yoga and knowledge. बाप कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं। The father says, there are many children. बच्चे ही पत्र आदि लिखते। The children themselves write letters, etc. और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। And I am also revealed only in front of the children. 500 करोड़ में वो बच्चे नहीं है क्या? Aren't the 500 crores his children? बच्चे तो वो भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आकर के जो बाप को पहचानते हैं वो पहले बच्चे। They too are children, but those who come and recognize the father in practice are the children first. तो उन बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। So I am revealed only in front of those children. सारी कारोबार मेरे बच्चों से है। My entire business is with the children. जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका ही मैं बाप हूँ। I am the father of only those who become my children. और नहीं बनते हैं? And if someone doesn't become my child, तो उनका बाप नहीं बच्चे बनते हैं इसका क्या मतलब हुआ? Then I am not their father. What is meant by become children? जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। I am the father of those who become my children. जो मेरे बच्चे नहीं बनते हैं उनका मैं बाप नहीं क्या मतलब? I am not the father of those who don't become my children. What does it mean? कोई तो प्रैक्टिकल बनते हैं और कोई सिर्फ कहने कहने तक समझते हैं God is father. Some become children in practice and some understand only to the level of saying God is the father. God father कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप को जानते नहीं। They say God the Father, but they don't know the practical form.
अब जो बच्चे बनते हैं उनमें कोई लगे हैं कोई सगे हैं। वेल अमंग दोज हु बिकम द चिल्ड्रन सम आर स्टेप चिल्ड्रन एंड सम आर द ट्रू चिल्ड्रन। तो फिर मैं समझ सकता हूँ सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन मेरे सगे बच्चे हैं और कौन लगे सौतेले। हु आर माई ओन चिल्ड्रन एंड हु आर स्टेप चिल्ड्रन। हर एक की पढ़ाई श्रीमत पर, हाँ हर एक की पढ़ाई है श्रीमत पर, सबको एक्ट में आना है और कल्याणकारी बनना है। इट इज ईच वन स्टडी एवरीवन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू श्रीमत एंड बिकम बेनिफिशियल। तुम जानते हो वृक्षपति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। यू नो दैट फॉर वृक्षपति इट इज सेड वृक्षपति डे मीनिंग थर्सडे। वृक्षपति मींस जुपिटर। वृक्षपति का डे वृक्षपति डे। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाती हूँ। चिल्ड्रन आर मोस्टली मेड टू सिट इन स्कूल ऑन थर्सडे। वो गुरु का बार कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द गुरुज डे। गुरु कहते हैं ना। पीपल एक्सेप्ट समवन एज अ गुरु डोंट दे। आज सोमवार का दिन। टुडे इज सोमवार मीनिंग मंडे। सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। द सोमनाथ फादर टीचेस यू। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं। सोमनाथ इज ऑल्सो कॉल्ड रुद्र। कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। इट इज सेड दैट रुद्र ज्ञान यज्ञ मीनिंग द यज्ञ ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्र वाज क्रिएटेड। सोम ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहते। व्हाई इजंट इट कॉल्ड सोम ज्ञान यज्ञ मीनिंग द यज्ञ ऑफ द नॉलेज ऑफ सोम मीनिंग द मून। सोमनाथ ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहते। व्हाई डोंट दे से सोमनाथ ज्ञान यज्ञ। जब सोमनाथ भी उसी का नाम है रुद्र का। देन सोमनाथ इज ऑल्सो द नेम ऑफ द सेम रुद्र। तो सोमनाथ ज्ञान यज्ञ कह दे। देन दे शुड से सोमनाथ ज्ञान यज्ञ। सोम का कनेक्शन किस से। विथ होम डज सोम हैव अ कनेक्शन। नाथ से। विथ नाथ मीनिंग द लॉर्ड। सोम अर्थात चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उसका पति ही तो सोमनाथ हुआ। सोम मीन्स द मून The moon of knowledge, Brahma. His husband himself is Somnath. वो सोमनाथ का ज्ञान नहीं कहते ज्ञान यज्ञ। So it isn't said Somnath's ज्ञान यज्ञ। किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र का ज्ञान। Whose ज्ञान यज्ञ? रुद्रास ज्ञान यज्ञ। क्योंकि सोमनाथ सब कहेंगे कि तो सोम और सोमनाथ दो बातें हुई। It is because when you say Somnath, then सोम एंड सोमनाथ आर टू सोल्स। दो से ज्ञान का बीज नहीं निकलता है क्योंकि ज्ञान का बीज तो बाप से ही निकलता है। वन सीड ऑफ नॉलेज डजंट इमर्ज फ्रॉम टू बिकॉज द सीड ऑफ नॉलेज इमर्जेस ओनली फ्रॉम द फादर। बाप बीज है एक। देयर इज वन सीड द फादर। और उस बीज को धारण करती है माता। एंड दैट सीड इज एसिमिलेटेड बाय द मदर। तो बीज के नाम पर वो ज्ञान यज्ञ का नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ दैट सीड दैट ज्ञान यज्ञ इज नेम्ड रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है। दिस इज द ओनली यज्ञ इन विच द टोटलिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज सैक्रिफाइस्ड। और कोई यज्ञ नहीं है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। देयर इज नो अदर यज्ञ In which the entire world would be sacrificed. तत्व भी उथल पथल हो जाते हैं। The elements also turn upside down. सब इसमें स्वाहा हो जाते हैं। Everything is to be sacrificed in this. सामने महाभारी महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है। The massive Mahabharat war is also standing in front of you. ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। People organize all these yagyas for peace. परंतु मैटेरियल यज्ञ से शांति तो हो नहीं सकती। But there can't be peace through the material yagya. इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। The flame of destruction was ignited through this yagya. ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है। This isn't a material yagya. कौन सी यज्ञ थी? Which yagya is this? ज्ञान और योग का यज्ञ है। It is a yagya of knowledge and yoga. ज्ञान आदमी प्रज्वलित होती है। The flame of knowledge is ignited. योग आदमी प्रज्वलित होती है। The flame of yoga is ignited. इसमें कोई स्थूल मैटर की जरूरत नहीं है।
any physical material isn't required in this. This unrighteous world is going to be sacrificed in this. The children have to see all this. Yeah. What? ये भ्रष्टाचारी दुनिया कैसे इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगी? How this unrighteous world will be sacrificed in this ज्ञान यज्ञ? लेकिन देखने वाले बच्चे बड़े महावीर चाहिए। But the children who see this should be very brave. सब इस विनाशी की ज्वाला को देख नहीं सकेंगे। Not everyone will be able to see this flame of destruction. कोई कोई का तो हार्ट फेल हो जाएगा। Some will suffer a heart failure. मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। People will cry in despair. तुम्हारी लिए तो लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। It has been written for you, mirua मौत मलू का शिकार। दुनिया की मौत होगी जानवरों में सर, और तुम्हें शिकार मिल जाएगा। The world will die like animals, and you will get the prey, शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य। There were very few people in the golden age. एक धर्म था। There was one religion. अब कली के अंत में देखो कितने मनुष्य कितने धर्म हैं। Now in the end of the Iron Age, look, there are so many human beings, so many religions. तो ये इतने धर्म इतने मनुष्य कहाँ तक चलेंगे? So how long will so many religions, so many human beings continue? कोई अंत होगा या नहीं होगा? Will there be any end or not? सत्य तो जरूर। The Golden Age is bound to come. अब सत्य की स्थापना कौन करेगा? Then, who will establish the golden age? जरूर रहते हैं तब बाप ही करेगा। Definitely, the creator, the father himself will establish it. कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। The destruction of the iron age is also standing in front of you. तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? You have forgotten who God of the Gita is. गीता है माता। Gita is the mother. तो गीता का पति गीता पति भगवान भी चाहिए। So, the husband of the Gita, God of the Gita, is also required. गीता को कहते हैं सबका माई बाप। The Gita is called the mother and the father of all. भगवान ने इस गीता के स्वर्ग की स्थापना की। God established heaven through this Gita. इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। There is no question of fight etc. in this. तो बाप ने माया पर जीत पहनाई थी। The father enabled you to gain victory over Maya. इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई। As they didn't understand this secret, they depicted a war between the demons and the deities. अब वह असुर और लड़ाई देवताओं की लड़ाई तो होती नहीं। Well, that war of the demons and the deities certainly doesn't take place. ये तो पांच विकारों की लड़ाई है। This is the war of the five vices. तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है। The knowledge of the past, present and future that you children have received from the father. ये सुदर्शन चक्र तुमको फिराना है। You have to rotate this Sudarshan Chakra. बाप और उसकी रचना को याद करना। Remember the father and his creation. है तो कितनी सहज बात। It is something so easy. ठीक चला, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यार से। Then the song was played, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। You are the ocean of love. We are thirsty for a drop of your love. आज बाबा ने लिखा तुम ocean of knowledge हो, ocean of bliss हो। Today, Baba wrote, you are the ocean of knowledge, the ocean of bliss. क्योंकि ocean of knowledge, ocean of blissful बाप के बच्चे। Because you are the children of the father, who is the ocean of knowledge, the ocean of bliss. बाकी ओशन ऑफ लव जरूर लिखना है। You should definitely write ocean of love. क्योंकि बाप की महिमा बहुत है। Because there is a lot of glory of the father. परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम हो जाती है। But the father's glory vanishes when you call him omnipresent. तो फिर बूंद बूंद के लिए बोलते हैं। Then you say for every drop. तू प्यार का सागर है और हम तेरी एक बूंद के एक बूंद के प्यासे। You are the ocean of love and we are thirsty for your one drop. ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? सागर के बच्चे कैसे होने चाहिए? How should the children of the ocean be?
मास्टर ज्ञान सागर होना चाहिए, मास्टर प्यार के सागर होना चाहिए। देर शुड बी मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज, मास्टर ओशन ऑफ लव। फिर एक बूंद क्यों मांगते हैं? देन व्हाई डू यू सीक वन ड्रॉप? कारण क्या बताया? व्हाट इज द रीजन दैट वाज मेंशनड? क्योंकि बाप को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। इट इज बिकॉज यू कंसीडर द फादर टू बी ओमनीप्रेजेंट। जो एक व्यापी बाप बन करके आता है, सर्व कुछ प्राप्ति कराता है। द फादर हु कम्स इन वन चैरियट, हु मेक्स यू अटेन ऑल द अटेनमेंट्स, उसको अनेक व्यापी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। इज कंसीडर्ड टू बी प्रेजेंट इन मेनी, ओमनीप्रेजेंट। इसलिए ये हाल होता है। दिस इज व्हाई देयर इज सच अ सिचुएशन। अगर बाप सर्वव्यापी हो तो थोड़ी कुछ बरकत मिलेगी। इफ द फादर इज ओमनीप्रेजेंट यू वोंट गेट एनी इनहेरिटेंस। एक व्यापी माना प्रैक्टिकल आता है। एक व्यापी मीन्स दैट ही कम्स इन अ प्रैक्टिकल वे। सर्वव्यापी माना इम्प्रैक्टिकल बात है। ओमनीप्रेजेंट मीन्स इट इज समथिंग इम्प्रैक्टिकल, नॉट इन प्रैक्टिस। कृष्ण के लिए भी लिखा है कि 16,108 रानियां चुराई। It has also been written for Krishna that he abducted 16,108 queens. तो बाप की सारी महिमा गुम कर दी। So the entire glory of the father has been made to vanish. जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। Krishna is made to swing in a swing on Janmashtami, meaning birthday of Krishna. परंतु किसको ये पता नहीं है कि कृष्ण ही नारायण बनता है। But nobody knows that Krishna himself becomes Narayan. राधे फिर लक्ष्मी बनती है। राधे देन बिकम्स लक्ष्मी। नारायण को झूले में नहीं झुलाएंगे। नारायण वोंट बी मेड टू स्विंग इन अ स्विंग। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। कृष्णा इज मेड टू स्विंग इन अ स्विंग। राधा को झूले में नहीं झुलाते। राधा इजंट मेड टू स्विंग इन अ स्विंग। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। कृष्ण इज मेड टू स्विंग इन अ स्विंग। जानते भी नहीं कि लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है। They just don't know that Lakshmi herself becomes Jagdamba later. ये तो जानते नहीं है। They don't know this. अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओ। Now the father says, you get to know everything by knowing me. लक्ष्मी को भी जान जावेंगे, जगदम्बा को भी जान जावेंगे, नारायण को भी जान जावेंगे, कृष्ण को भी जान जावेंगे। You will know Lakshmi as well as Jagdamba. You will know Narayan as well as Krishna. क्योंकि मेरे में नॉलेज है, उस नॉलेज से तुम्हारा कनेक्शन नॉलेज को बाप से होगा, तो तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। Because I have knowledge, your connection will be established with the knowledgeful father through that knowledge. So your intellect will also become only like that. ये एक जन्म की बात नहीं है। It isn't about one birth. परंतु सत्य के आदि मध्य अंत को मेरे द्वारा जान जाएंगे। But you will know the beginning, middle and end of the world through me. परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। But those who don't become soul conscious don't assimilate knowledge either. आत्मा अभिमानी बने तो ज्ञान की भी धारणा कर सकते। They can assimilate knowledge when they become soul conscious. सारा कल्प तो देह अभिमान चला है। There has been body consciousness throughout the entire kalp, meaning cycle. कतु में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। The knowledge of the supreme soul doesn't exist in the golden age either. यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा को भूल जाते हैं। As soon as you come to play your part here, you forget the supreme soul. कौन? Who? कतु में जो देवताए होते हैं, वो भी जब इस धरती पर आते हैं तो बाप को स्वरूप को भूल जाते। The deities of the golden age, when they come to this world, even they forget the form of the father. ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर से दूसरा ले। They do understand that the soul leaves one body and takes another. परंतु वहाँ दुख की बात नहीं होती, ये परमात्मा की महिमा है। They forget the father, yet there is no question of sorrow there. This is the glory of the supreme soul. ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। The ocean of knowledge, the ocean of love. और उस सागर में एक बूंद है मन मना बूंद और मद्यादि। And a drop in that ocean is manmana bhav and madhyaji bhav. ये एक एक बूंद मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते। We go from the ocean of vices
to the ocean of milk by getting this drop. Rivers of ghee and milk flow in heaven. तो ये सब महिमा है. So, all these are glorifications. घी दूध की कोई नदियाँ नहीं होती. Rivers of ghee and milk don't exist. घी दूध की नदियाँ मान? What is meant by rivers of ghee and milk? सब सुखों से भरपूर सुख होता है. भरपूर दुनिया होती है. The world is full with all kinds of happiness. बाकी घी दूध की नदियाँ थोड़ी हो सकती. As regards the rivers of ghee and milk, they certainly can't exist. ये भी महिमा कहाँ की है? This glorification does pertain to which time? सचिव की महिमा है. Is it the glory of the golden age? ये संगम की स्वर्ग की महिमा है. Or of the confluence age heaven? ये संगम की स्वर्ग की महिमा है. It is the glory of the confluence age heaven. पहली की दुनिया में तो होती है विषय वैतरण नदी. There is the river of the poison of the vices in the iron age world. लेकिन सत्युग में जो नदियाँ होती हैं वो विषय वैतरणी उनको नहीं कहेंगे. The rivers that exist in the golden age won't be called rivers of poison of vices. उनको कहेंगे घी दूध की नदियाँ, माना घी. They will be called rivers of ghee and milk. It means ghee. घृत माना? What is meant by घृत? Meaning ghee. जिनमें असलियत भरी. Something that has purity. कौन सी चीज की असलियत? Purity of what? एक बाप दूसरा न कोई. One father and no one else. ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है? You also know what is called heaven. कहा जाता है? What is called heaven? स्वर्ग माना जहाँ सुख ही सुख हो, जहाँ दुख का नाम निशान न हो उसे कहेंगे स्वर्ग. Heaven, स्वर्ग means a place which is full of happiness, a place without a trace of sorrow. That will be called heaven. अगर कोई ज्ञान में चल रहा है और ज्ञान में चलने से उसकी स्टेज ऐसी बन गई है तो उसको दुख कभी भागता नहीं है. If someone is following the knowledge and if by following the knowledge his stage has become such that he never feels sorrowful. न वो दुख लेता है न वो दुख देता है. Neither does he take sorrow nor does he give sorrow. वो कहाँ है? Then where is he? नरक में है या स्वर्ग में? Is he in hell or in heaven? क्योंकि उसका वाइब्रेशन वायुमंडल ऐसा बना हुआ है. It is because his vibration, his atmosphere has become like that. इसलिए कहेंगे कि वो स्वर्ग में. This is why it will be said that he is in heaven. जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं. For example, it is shown for Krishna. है तो पीपल के पत्ते पर. That he is on a fig leaf. और पीपल के पत्ते की नवैया भी कहाँ दिखती है? And where is that boat of the fig leaf also shown? विषय सागर. In the ocean of vices. और ऐसी स्टेज में होते हुए भी कहाँ पड़ा हुआ है? And despite being in such a stage, where is he lying? गर्भ महल. In the palace-like womb. गर्भ महल में आराम से अंगूठा चूस रहा है. He is sucking his thumb comfortably in the palace-like womb. तो गर्भ महल की बात की सूचना दे. What does the palace-like womb indicate? कि वहाँ उसकी आत्मा को मन बुद्धि को किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता. It indicates that his soul, his mind and intellect can't experience any kind of sorrow there. गर्भ महल में है माना सुखी की स्टेज. He is in the palace-like womb means he is in a stage of happiness. मन कितने भी विषय सागर के हिलोरे आ रहे. There may be any number of waves of the ocean of vices. तूफान चल रहे. There may be storms brewing. देखने वाले समझ रहे हैं कि अब डूबा भी डूबा. The observers think that the boat is as good as sunken. ये नैया डूबी की डूबी. This boat has almost drowned. लेकिन उसको ले समात्र भी संशय ये अनिश्चय पैदा होने की बात पैदा ही नहीं होती. But there is no question of him having doubts or losing faith even to the slightest extent. उससे क्या साबित हुआ? So, what does it prove? कि जैसे वो आत्मा कहाँ पड़ी है? It is as if, where is that soul lying? स्वर्ग में पड़ी. He is in heaven. सुख की दुनिया में है. In a world of happiness. उसका वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ. His very atmosphere is like this. ऐसी स्टेज हम बच्चों को भी बनानी है. We children should also achieve such a stage. बल अजमेर में मॉडल है स्वर्ग का. Although there is a model of heaven in Ajmer. कहाँ? Where? अजमेर.
In Ajmer. नाम अजमेर क्यों रहा? Why was the name Ajmer given? भेड़ बकरियों का देश हो तो अजमेर नाम रखो। If it is a place of sheep and goats, it will be named Ajmer. जैसा नाम वैसा काम। As is the name, so is the task. तो भेड़ बकरियों के देश में बल वो मॉडल स्थूप रूप में बनाया हुआ है स्वर्ग आश्रम सुख धाम। So although that model, Swargashram, Sukhdham, has been made physically in that place of sheep and goats, लेकिन वो मॉडल है। It is a model. जो चैतन्य बात होनी चाहिए आत्मा चैतन्य स्टेज में टिके ऐसी स्टेज नहीं है। The sentient nature that is required, there isn't such a stage where the soul is stable in the sentient form. वो जानते कुछ भी नहीं कि सुख की दुनिया कैसे बनती है। They don't know at all how the world of happiness is formed. स्कूल मॉडल बनाने से बनेगी क्या? Will it be formed by making a physical model? ईंटों का सुखधाम शांतिधाम बनाने से दुनिया सुखधाम बन जाएगी। Will the world become an abode of happiness by building the abode of happiness and the abode of peace of bricks? नहीं, कैसे बनेगी? No, how will it be formed? पहले सूक्ष्म स्टेट को बनाना पड़े, स्थिति को बनाना पड़े। First, you will have to achieve the subtle stage. सूक्ष्म स्थिति जब बन जाएगी तो स्थूल दुनिया भी बनेगी। When you achieve the subtle stage, the physical world will also be formed. तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे कि पहले राजा ही थी। If you explain to anyone, then they will understand immediately that there was a kingship earlier. बात ये रास विलास तो खेल कूद है। As regards this रास विलास, meaning dance and enjoyment, it is a play. जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है। Just as Baba has the knowledge of the beginning, the middle, and the end. तो तुम बच्चों की भी बुद्धि में ये ज्ञान फिरना चाहिए। This knowledge should rotate in the intellect of you children as well. बाप की महिमा accurate सुनानी। You should narrate the father's glory accurately. उनकी महिमा अपरम्पार है। His glory is immense. सब तो एक जैसे नहीं हो सकते महिमा सुनाने वाले। All those who narrate his glory can't be alike. एक जैसे नहीं हो सकते मन। What does it mean by they can't be alike? कोई मुख से महिमा सुनाते हैं। Some narrate the glory through the mouth. अंदर से प्रैक्टिकल में उसको पूरा नहीं कर पाते जैसे नाम दिया गणित का। But they are unable to fulfill it internally in practice. For example, a name has been given Ganika. तो Ganika की स्टेज क्या होती है? So, what is the stage of a Ganika? मुख से गीत तो कैसे गाएगी? What kind of songs will she sing through her mouth? भगवान के गीत गाएगी। She will sing songs of God. लेकिन practical जीवन में चलना और रहना किसके साथ होता? But with whom does she walk and live in her life in practice? दूसरों के साथ होता। It is with others. तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी अनेक प्रकार के स्टेज वाले हैं। So, those who follow the knowledge like this also have many kinds of stages. किसी की कथनी और करनी दोनों एक है। In the case of some, their words and actions are one and the same. और किसी की कथनी करने में अंतर पड़ जाता है। And in case of some, the words and actions are different. तो सब एक जैसे नहीं होता। So, not everyone can be alike. हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। Each one has got his part. कोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो बाबा क्या कर मिलेगा? If the Pope also has a part according to the drama, he will come and meet Baba. कौन? Who? Pope. The Pope. पोप नाम क्यों रखा? Why was he named the Pope? है? क्योंकि पोप लीला बहुत करते हैं। It is because he performs a lot of Pope Leela, meaning empty play. Christianity है ना? Christianity का head है। It is Christianity, isn't it? He is the head of Christianity. तो Christian धर्म में कौन सी विशेषता होती है? So what is the specialty of Christianity? Pomp and show. To make pomp and show. Artificial show ज्यादा करेंगे जो उतना होंगे नहीं। They will make a lot of artificial shows. They won't be so superior. लेकिन दिखावा बहुत करेंगे। But they will show off a lot. अपनी सभ्यता का दिखावा करेंगे कि हम बहुत सभ्य हैं। They will show their civilization off and try to prove that they are very civilized. तो वास्तव में वो शैव तुल्य होते नहीं हैं। So actually they aren't divine. लेकिन दिखावा करते। They show off.
और वो दिखावा ज्ञान के आगे नहीं चल सकता। एंड दैट शोइंग ऑफ कांट वर्क इन फ्रंट ऑफ नॉलेज। ऐसे जो पोप लीला चलाने वाले हैं वो भी बाप से आकर मिलेंगे जरूर। Those who do such pop lila will also come and certainly meet the father. अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल सकते। If anything else happens, we will see it in future. दिव्य दृष्टि से विनाश और स्थापना का जो कुछ बाबा ने साक्षात कराया अर्जुन को। Whatever vision Baba gave to Arjun about the establishment and the destruction through a divine vision, वो भी सब दिव्य दृष्टि से दिखाया था। He showed everything through a divine vision. मानो जो कुछ बंद आंखों से साक्षात्कार बच्चों ने किया है। It means that whatever visions the children have seen with closed eyes, वो सब इन्हें स्थूल आंखों से भी देखेंगे जरूर। They will certainly see all that through these physical eyes. चाहे विनाश का साक्षात्कार हो और चाहे नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार। Whether it is the vision of destruction or the vision of the establishment of the new world, they will see everything through these eyes. विष्णु का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। The children have had the vision of Vishnu as well. वहाँ प्रैक्टिकल में जाएंगे। You will go there in practice. कहाँ? Where? विष्णु की पुरी। To the abode of Vishnu. विष्णु कोई होता है क्या? Is there any Vishnu? विष्णु का साक्षात्कार किया वो तो चार हाथों वाला साक्षात्कार हुआ। You had the vision of Vishnu. You had the vision of the four arms. तो ऐसी दुनिया कोई होगी जहाँ चार हाथों के आदमी हो? So, will there be any world where people have four arms? उसका बुद्धि से साक्षात्कार करेंगे। चार हाथों का मतलब क्या हुआ? You will have the visions through the intellect. What is the meaning of four arms? चार सहयोगी आत्माओं के संस्कार मिलकर के 100% एक हो जाएंगे। The संस्कार्स of four helper souls will come together to harmonize 100%. राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियाँ राधा और सीता। राम एंड कृष्ण एंड देयर हेल्पर शक्तिज राधा एंड सीता। शक्तिज मीन्स लिटरली पावर कंसोर्ट। ये चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक देखने में आए। द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ ऑल दीज फोर सोल्स विल हार्मोनाइज एंड अपीयर टू बी वन। तो हम बुद्धि से समझेंगे कि यही विष्णु का रूप है। Then we will understand through the intellect that this is the very form of Vishnu. जो सत्य वो त्रेता में जाकर के राज्य की पालना करे। Who will sustain the kingdom in the golden age and the silver age? वहाँ प्रैक्टिकल में जाएंगे तो सब साक्षात्कार करें। When you go there in practice, you will have all the visions. फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाएगा। After that, you will stop having visions. सत्य को त्रेता में न साक्षात्कार होता है और न वहाँ भक्ति। There are neither visions nor is there bhakti in the golden age and the silver age. फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती हैं। Then all these topics start on the path of bhakti. तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को भी समझाते हैं। So Baba explains such nice things which you children have to explain to others as well. बहनों और भाइयों आकर के बाप से वर्षा ले लो। Tell them, brothers and sisters, come and obtain the inheritance from the father. उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह बाप की महिमा गुम कर दी। By calling the supreme soul omnipresent through that knowledge, you have made the glory of the father vanish. और कितनी ग्लानी कर दी। And you have defamed him so much. तो जो उन्होंने महिमा गुम कर दी है, वो तो महिमा को तुम कैसे बढ़ाएंगे? So, how will you increase the glory that they have made to vanish? उन्होंने तो महिमा गुम की क्या कहकर? By saying, what did they make the glory vanish? बाप सर्वव्यापी है और तुम क्या साबित करेंगे? The father is omnipresent. And what will you prove? बाप एक व्यापी है। The father is present in one being. तो महिमा बजाय गुम होने के प्रत्यक्ष हो जाएगी। Then, instead of the glory vanishing, it will be revealed. जो उन्होंने ग्लानी की है वो ग्लानी खलास हो गई। The defamation that they have done will end. अच्छा, मीठे मीठे चिकित से बच्चों के मात पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द मदर एंड द फादर बाप दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। रूहानी बाप की स्पिरिचुअल फादर्स नमस्ते मीनिंग ग्रीटिंग्स।
to the spiritual children. 84 के पुत्र अव्यक्तवाणी डेटेड 84 आज अमृत वेले के स्नेही बच्चों के स्नेही के गीत टुडे एट अमृत वेला द सॉन्ग्स ऑफ लव ऑफ द लविंग चिल्ड्रन समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत द सॉन्ग्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द इक्वल चिल्ड्रन संपर्क में रहने वाली बच्चों की उमंग में आने के उत्साह भरी आवाज द साउंड्स ऑफ जील ऑफ द एंथुजियास्टिक चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्टैक्ट बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे नीचे उठाने द स्वीट कंप्लेंट्स फुल ऑफ लव ऑफ द बांधेली डॉटर्स मीनिंग डॉटर्स इन बॉन्डेज कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास द फ्लावर्स ऑफ लव ऑफ मेनी चिल्ड्रन रीच्ड बाप दादा देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की शेष प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समित द राइटियस प्रोमिसेस ऑफ पावरफुल थॉट्स ऑफ द चिल्ड्रन From the country and abroad, all of these reached close to Bap Dada. Bap Dada सभी बच्चों को इसलिए कि संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. Bap Dada is responding to the thoughts, full of love and powerful thoughts of all the children. सदा Bap Dada के इसलिए ही भव. Always be loving towards Bap Dada. सदा समर्थ समान भव. Always be powerful and equal. सदा उमंग उत्साह से समीप भव ऑलवेज बी क्लोज टू बाप दादा थ्रू जील एंड एंथुसियाज्म लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बी अ फ्री इंडिपेंडेंट सोल थ्रू द फायर ऑफ डिवोशन के द्वारा थ्रू व्हाट बाप के लिए ऐसा लग जाए यू शुड लव द फादर इन सच अ वे ऐसी लगन की अग्नि तीव्र जले The fire of devotion should burn so strongly. प्रज्वलित हो जाए. It should ignite in such a way. उस लगन की तीखी अग्नि में सारे ही विघ्न समाप्त हो जाए. That all obstacles end in that intense fire of devotion. स्वतंत्र आत्मा बन जाए. The soul should become independent. तो अभी बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए. So now the days for the children to become free have almost arrived. क्यों? Why? 84 से अब तक जो ये की चल रहा था उसमें वो दिन नहीं आए Didn't the days to become free arrive in the yagya which has been going on since the year 84 और अब आए के आए ऐसे क्यों कहा And why was it said that these days have almost arrived क्योंकि लगन भी कांस्टेंट तब होती है It is because the devotion also remains constant जब परमात्मा बाप का एक व्यापी स्वरूप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो Only when the ekvyapi form of the Supreme Soul Father is revealed in front of the children. और जब तक प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो लगन भी सदाकाल की नहीं लग सकती And until it has been revealed, there can't be everlasting devotion. क्योंकि सिर्फ बिंदु को याद करने से तो बुद्धि में खींचना पड़ता है Because by remembering just the point, you have to pull the intellect. और जब प्रैक्टिकल में ये निश्चित हो जाता है कि बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल में आया हुआ And when it becomes definite in practice that the father has come in practice. माना शरीर के साथ आया हुआ. Meaning he has come along with the body. तो बुद्धि की लगन, बुद्धि की लागत पता है उस तरफ दौड़ती. Then the devotion of the intellect, the attachment of the intellect will go in that direction automatically. और जब लगातार बुद्धि उस तरफ दौड़ेगी, तो योग कैसा होगा? And when the intellect runs in that direction continuously, then how will the yoga be? Nirantar yoga hoga. It will be continuous yoga. Nirantar yoga hoga, to sahaj bhi hoga. If the yoga is continuous, it will also be easy. Sahaj hoga, tabhi hi nirantar hoga. It will be continuous only when it is easy. Sahaj nahi hoga, to nirantar bhi nahi hoga. If it isn't easy, it won't be continuous either. इसलिए बोला कि अब बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए दिस इज व्हाई इट हैज बीन सेड दैट नाउ द डेज टू बिकम फ्री हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल की आवाज द साउंड्स ऑफ ट्रू लव फ्रॉम द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाए विल डेफिनेटली अवेकन द कुंभकर्ण लाइक सोल्स कुंभकर्ण की विशेषता क्या बताई व्हाट स्पेशलिटी ऑफ कुंभकर्ण वाज मेंशनड वो अंत तक अज्ञान की नींद में सोए रहते
they remain sleeping in the slumber of ignorance till the end. उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि भगवान बाप प्रैक्टिकल में सृष्टि पर एक व्यापी बनकर आया हुआ है. They don't get to know that God the Father has come in this world as ek vyapi in practice. तो बच्चों के दिल के आवाज कुंभकर्णों को अवश्य जगाए. So the sounds from the heart of the children will definitely awaken the Kumbhkarns. यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाए. The people who put everyone in bondage themselves will be tied in the bond of the love of God. Yeah. What? जिन्होंने बंधन में डाला है सबको. Those who have put everyone in bondage. जिन्होंने बंधन में डाला है. Who has put them in bondages? इन भारत के कुंभकर्णों ने ही बंधन में डाला है. It is these Kumbhkarns of India who have put them in bondage. जिन्होंने बंधन में डाला है वो स्वयं ही भगवान के बंधन में स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे. Those who have put them in bondage should themselves be bound in the bond of God, in the bond of love. बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने का दिल का आफत दे रहे हैं. बाप दादा is giving the comfort of the arrival of good days, especially to the daughters who are in bondage. आज के विशेष दिन पर On today's special day, विशेष स्नेह की मोती बाप दादा के पास. The special pearls of love reach बाप दादा. यही स्नेह की मोती श्रेष्ठ हीरा बनाई देती है. These very pearls of love make you an elevated diamond. आज का दिन समर्थि का दिन है. Today is a powerful day. कौन सा दिन? Which day? 18 जनवरी. 18th January. क्यों? Why? 18 जनवरी जिस दिन शरीर छोड़ा वो समर्थि का दिन हुआ और उससे पहले सारे असमर्थि के दिन हो गए. 18th January is the day when he left his body, a powerful day, and were all the other days before that the days of weakness. ऐसी क्या खास बात? What is special about it? ये तो रहस्य है क्या? Is there any secret in it? 18 जनवरी सन 69 का दिन जो है वो समर्थि का दिन है. The day of 18th January 1969 is a powerful day. अच्छा 69 ना सही, जो भी समर्थि दिवस मनाया जाता है. अच्छा, if not in 69, let it be any day of remembrance, स्मृति दिवस, that is celebrated. तो किस बात की स्मृति दिवस है? So that is a day of the remembrance of what? शरीर छूट गया, इससे स्मृति आ गई. Did you become aware when the body was left? है? स्मृति दिवस के दिन क्या हुआ विशेष बात? What is the special thing on the day of remembrance? कि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ा. ब्रह्मा did leave his body. लेकिन सुप्रीम सोल कोई ना कोई दूसरे शरीरधारी में प्रवेश कर जाता है. But the supreme soul enters another bodily being. तो जिस शरीरधारी में परमात्मा बाप को प्रवेश करता है. So the bodily being whom the supreme soul father enters. वो प्रवेशता ही समर्थि की बात है. That entrance itself is a powerful event. आज का दिन समान बच्चों को तत्त्वम के वरदान देने का ये दिन है. Today is a day of giving the equal children the boon of tattvam, meaning you are that. Tattvam man? What is meant by tattvam? Tattvam man vo, tvam man vo, tu. Tat means that, tvam means you. यानी तू भी वो ही है. Meaning you are also that. वो ही मन? What does that mean? किससे कहा? To whom did he say it? वो सामने बैठा होता है उसे कहते हैं तू या तुम. The one who is sitting in front is called you. और वही हो. And you are that. कौन वही हो? Who is that? जो ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल जो है वही तुम भी हो. You are also the same as the soul of Brahma, the soul of Krishna. माने कृष्ण की सोल अगर नारायण का पद धारण करती है तुला कला संपूर्ण का, तो तुम भी नारायण का स्वरूप धारण करती हो. It means that if the soul of Krishna achieves the status of Narayan, who is perfect in 16 celestial degrees, you also take on the form of Narayan. आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्वशक्तियों की दिन करता है. Today,
Bapdada wills all the powers to the Shakti army. Will power deta hai. He gives the will power. Aaj ka din baap ka backbone ban, bachchon ko vishv ke maidan mein aage rakhne ka din hai. Today is a day of Bapdada becoming the backbone and keeping the children ahead of himself in the field of the world. Backbone? Backbone? Backbone kise kehte hain? What is called a backbone? Reed ki haddi ko backbone kehte hain. The spinal cord is called the backbone. Agar reed ki haddi nikal di jaye aadmi ke sharir se, if the backbone is removed from a person's body, khada reh sakega? Will he be able to stand? Nahi khada reh sakta. He can't stand. Aise hi baap bachchon ka backbone banta hai, number one pushar. Similarly, the father becomes the backbone of the children number wise according to their purushas. Backbone man? What is meant by backbone? Baap dada ki shakti piche se hai aur bachche aage se. Baap dada's power is behind and the children are in front. Duniya ke samne dekhne mein kaun aata? Who is visible in front of the world? Bachche. The children. Lekin saari taakat kiski kaam karti hai? But whose is the entire power that works? Backbone baap dada. The power of backbone baap dada. Baap ka backbone bachche bante hain. The children also become the backbone of the father. Kaun se din? On which day? Smriti ke divas. On the day of remembrance. To bachchon ko maidan mein rakh diya sari duniya ke samne. So children were placed in the field in front of the entire world. और खुद बाप दादा बैकबोन बनकर के पीछे आ गए. एंड बाप दादा हिमसेल्फ केम टू द रियर एज द बैकबोन. बाप अननोन है. द फादर इज अननोन. और बच्चे वेरी वेरी वेल नोन बनते हैं संसार के सामने. एंड द चिल्ड्रन बिकम वेरी वेरी वेल नोन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. बाप दादा गुप्त हो जाते और बच्चे प्रत्यक्षता करते हैं. बाप दादा बिकम्स हिडन एंड द चिल्ड्रन ब्रिंग अबाउट द रेवलेशन. आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन. टुडे इज द डे ऑफ द फादर ब्रह्मा बिकमिंग कर्मातीत, मीनिंग गोइंग बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ कर्म. व्हाट? कर्मातीत होने का दिन. हूज डे ऑफ बिकमिंग कर्मातीत? ब्रह्मा और बाप. ब्रह्मा एंड द फादर. यानी 18 जनवरी को ब्रह्मा भी कर्मातीत हो गया और बाप भी कर्मातीत हो गया. डज इट मीन दैट ब्रह्मा as well as the father became karmatit on the day of the 18th January? Kaun sa baap? Which father? Supreme Soul baap. Is it the Supreme Soul father? Supreme Soul ke liye kahenge karmatit. Will it be said karmatit for the Supreme Soul? Nahi. No. Mana jo prajapita ka part hai, yagi ke aadi mein jo prajapita tha. It means that the part of prajapita, the one who was prajapita in the beginning of the yagya, aur brahma ki soul ka jo part hai, and the part of the soul of brahma, wo dono hi atma 18 january ke din se, both these souls from the day of 18th january, kyunki parmatma baap pravesh kar jata hai, because the supreme soul father enters. Brahma ka tan jisme shiv baap ki praveshta hoti thi wo to maa ka part. The body of brahma in which the father Shiv used to enter is the mother's part. Wo maa ka part 18 january ko natr ko pura hua. That mother's part finished on 18th january 69. Aur Shiv baap ne pravesh kar diya koi aur brahman bachche. And the father Shiv entered another brahmin child. Jo yagya ki aadi wali atma. Who was a soul from the beginning of the yagya. Bij aropan karne wali bij roop atma. The seed form soul that sows the seed. तो बाप की प्रवेशता मात्र से ही. So, just by the entrance of the father, वो आत्मा उस स्टेज में जाती है. The soul enters that stage. कौन सी स्टेज बताई? Which stage was it called? कर्मातीत स्टेज. कर्मातीत स्टेज. कर्मातीत किसे कहते हैं? What is called कर्मातीत? कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से अति परे. To remain beyond the bondage of actions, despite performing actions. तीव्र गति से विश्व कल्याण और विश्व परिक्रमा का कार्य अब आरंभ होने का दिन है. It is a day of the commencement of the task of world benefit and world circumambulation, विश्व परिक्रमा
एट अ फास्ट पेस. फाइव. अठारह जनवरी से पहले जब सूची प्रगति नहीं थी. बिफोर 18th जनवरी वाजंट इट अ फास्ट पेस. क्यों नहीं थी? व्हाई वाजंट इट फास्ट? क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार रूप में कार्य कर रहा. इट इज बिकॉज द फादर ब्रह्मा वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म. एंड ऑफ द कैसेट.